What, Chumka? What, Chumka? What, Chumka? एक किस्सा सुनाऊंगा मैं धर्म जी से रिलेटेड. तो द फर्स्ट डे दैट वी वर शूटिंग टुगेदर, धर्म जी आने वाले थे. मैं नर्वस था, एक्साइटेड था. सीन है धर्म जी के साथ, टॉकी सीन है, ऐसे फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं. तो सुबह मैं जब सेट पर आया, मैंने एडीज को कहा कि यार मुझे पहले बुला देना सेट पे, आई वुड लाइक टू ग्रीट धर्म जी ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ शूट. पर पता नहीं कुछ हुआ उस मॉर्निंग और धर्म जी पहुंच गए सेट पे. फिर मुझे इन्फॉर्मेशन में धर्म जी सेट पर चले गए. तो फिर मैं हड़बड़ी में तैयार होके पहुंचा सेट पे, और टाइम कम था, शूट शुरू करना था, और करण हमें सीन समझा रहा था. मैंने उनके पैर पड़े जब भी पाई, सीन समझा, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर आप ऐसे बोलना, ठीक है, ओके. शॉर्ट कहाँ लग रहा है, मनोज सर हमारे जो डीओपी हैं उनसे ब्रीफिंग ली, करण से ब्रीफिंग ली, अच्छा ये करना है, ओके ठीक है, रेडी. तो मैं थोड़ा रिहर्स कर रहा था, धर्म जी यहाँ पे बैठे हुए थे, और मैं मन ही मन में रिहर्स कर रहा था, अच्छा ये फिर वो, ठीक है, कॉल प्लीज. तो जैसे ही उन्होंने बोला रोल कैमरा, और फिर मैंने ऊपर देखा, और उस मोमेंट में मुझे हिट हुआ कि ये धर्मेंद्र है, और मैं धर्म जी के साथ शॉट देने वाला हूँ, धर्मेंद्र के साथ मैं एक्टिंग कर रहा हूँ एक ही फिल्म में. आई कांट एक्सप्लेन. जया जी, धर्म जी, ऑनेस्टली हम वी फील वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि हम उनके साथ स्क्रीन शेयर कर सकते थे, सीन्स कर सकते थे. देयर वाज सो मच टू लर्न, सो मच टू गैदर फ्रॉम जस्ट द वे दे बिहेव, द वे दे एक्ट, एंड दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. शबाना जी इज लाइक, वी डिस्कस दिस ऑल द टाइम, शी इज लाइक वाटर, मतलब वो जस्ट वो फ्लो करती रहती है, और पता भी नहीं चलता है कि वो कब घुस जाती है एक इमोशन के दूसरे इमोशन के अंदर. इट्स, शी इज जस्ट अ मास्टर क्लास. जया जी को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई. एक तो वो बहुत ही, शी इज वेरी, यू नो, वेरी फन, वेरी लाइक आई वुड से नॉटी, शी इज ऑलवेज पुलिंग द एडीज लेग्स ऑन सेट. वो हमेशा लोगों की टांग खींचती है, कुछ जोक्स मारती है, रणवीर की टांग खींचती है. बट जो चीज में बहुत इम्प्रेस हो गई वो टेक्स के बीच में, अगर ऐसे लग रहा है कि टाइम कम हो रहा है एंड यू नो और दिन खत्म हो रहा है, हमको काम जल्दी खत्म करना है, वो टेक्स के बीच में बैठती नहीं थी. सब लोग चहलाते थे, सब लोग, मैं भी कभी कभी जाके बैठती थी, जया मैम वुड स्टैंड ऑन हर मां, वो हिलती नहीं थी क्योंकि उनको पता था कि टाइम जा रहा है, हमको जल्दी खत्म करना है. और धर्म जी, तो मैं चाहूंगी कि रणवीर धर्म जी की एक इमिटेशन करे, क्योंकि वो भी मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग. उनके बारे में जितना कहूं कम है, ही स्टिल लाइक, ही इज लाइक अ चाइल्ड. वो अपने काम को लेकर इतने पैशनेट है, इतना होमवर्क करते हैं. तो जेन्युइन इट्स अ ब्लेसिंग, एंड वी फील सो ब्लेस्ड टू हैव वर्क विद देम. आई थिंक आपको जया जी को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई. एक तो वो बहुत ही, शी इज वेरी, यू नो, वेरी फन, वेरी लाइक आई वुड से नॉटी, शी इज ऑलवेज पुलिंग द एडीज लेग्स ऑन सेट. वो हमेशा लोगों की टांग खींचते हैं, कुछ जोक्स मारती है, रणवीर की टांग खींचती है. बट जो चीज में बहुत इम्प्रेस हो गई वो टेक्स के बीच में, अगर ऐसे लग रहा है कि टाइम कम हो रहा है एंड यू नो और दिन खत्म हो रहा है, हमको काम जल्दी खत्म करना है, वो टेक्स के बीच में बैठती नहीं थी. सब लोग चहलाते थे, सब लोग, मैं भी कभी कभी जाके बैठती थी, जया मैम वुड स्टैंड ऑन हर मां, वो हिलती नहीं थी क्योंकि उनको पता था कि टाइम जा रहा है, हमको जल्दी खत्म करना है.